आज हम सांबर मसाला बनाएंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 6-7 लौंग और आधा चम्मच मेथी पाउडर, 3-4 चुटकी हींग, 1 चम्मच काला सरसों और मैंने कड़ी पत्ता सुखा के रख लिया था वो लिया है, 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच सफ़ेद उड़द की दाल बिना छिलके वाला। कढ़ाई गरम कर लिया है, बिल्कुल कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम सूखा सबको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। मैंने उड़द का दाल और चने का दाल डाल दिया है, थोड़ा सा ये भून जाएगा उसके बाद हम अपना मसाला डालेंगे। हमारा हल्का धनिया, हमारा हल्का दाल भून गया है। अब मैं धनिया डाल दूंगी जो मैंने साबुत धनिया ले रखा था, जीरा डाल दूंगी, काली मिर्च डाल दूंगी, सरसों डाल दूंगी, लाल मिर्च डाल दूंगी, कड़ी पत्ता डाल दूंगी और मेथी लौंग को भी डाल दूंगी। हम हींग और हल्दी बाद में डालेंगे। देखिए चटकने लगा है, हमारा मसाला हो चुका है। ज़्यादा नहीं इसे भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। बस हल्का सा, देखिए चटक रहा है, सुगंध आने लगा है। हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, मात्र इसे 2 मिनट भूनना है। इसी सूखे बर्तन में हम अपना सारा मसाला निकाल लिए हैं, कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारी कढ़ाई गर्म है, हमारा मसाला जल जाएगा। देखिए ज़्यादा नहीं मैंने भूना है, बिल्कुल हल्का, सुगंध आने के बाद मैंने इसको निकाल दिया है। ज़्यादा भूनने से इसका कलर भी बेकार हो जाएगा और सुगंध भी जल जाएगा। अब मसाला हमारा ठंडा हो गया है, हम मिक्सी में 4 मिनट डालेंगे और हम इसे पीस लेते हैं। मसाला हमारा पीस गया है, हम इसमें पिसा हुआ हल्दी था डाल दिए और 2-3 चुटकी हींग डाल दिए हैं। हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, आधा चम्मच हम सोल्ट पाउडर भी डाल के मिला लेंगे। हम इसे बढ़िया से मिला लिए। हमारा सांभर मसाला बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। हम इसे कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छे से ढक्कन बंद होने वाला है, किसी जार में रखिए इसे।